वेट लॉस डाइट ट्रेंड्स ने कंफ्यूज कर दिया है लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर सस्टेनेबल वेट लॉस सबसे पहले कीटो हाई फैट लो कार्ब डाइट जो आपके फैट्स बर्न करने में हेल्प करता है बेनिफिट फास्ट वेट लॉस एंड इंसुलिन लेवल कंट्रोल लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज वाटर लॉस ड्यू टू वेरी लो कार्ब्स लेकिन नुकसान भी हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म में इससे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और फटीक हो सकती है मतलब कीटो हर किसी के लिए नहीं है शुड बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन आई एफ यानी खाने के बीच में फास्टिंग विंडोज बेनिफिट्स हेल्प करता है कैलोरी कंट्रोल में और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में लेकिन आई एफ भी सबके लिए नहीं है क्योंकि लॉन्ग फास्टिंग पीरियड से एनर्जी डिप होती है क्रेविंग बढ़ सकती है स्पेशली इफ नॉट डन राइट और फिर आते हैं आपके जूस क्लैंस प्रोमिस तो करते हैं क्विक डिटॉक्स और वेट लॉस के लेकिन सच है कि फाइबर की कमी और प्रोटीन भी मिसिंग है रिजल्ट temporary weight loss jo wapas aa jayega as soon as you start eating normal food low carb diets carbs ko villain bana diya gaya hai short term mein theek hai but ye sustainable nahi hai missing carbs can lead to low energy mood swings or digestion issues so next time किसी diet trend को follow करने से पहले ज़रूर सोचो कि क्या ये आपके lifestyle और health goals के लिए सही है ट्रेंड को नहीं अपने बॉडी को समझो ड्रॉप अ कॉमेंट बिलो इफ यू ट्राइड एनी ऑफ दीज ट्रेंड्स एंड शेयर दिस रील टू स्प्रेड द ट्रूथ